जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस ने एरिया फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं मोगा पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है और जगह जगह नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस मौके पर मोगा डीएसपी सिटी सुखविंदर सिंह ने बताया कि एसएसपी ने मोगा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए समय समय पर शहर में फ्लैग मार्च निकालने के आदेश दिए, जहाँ नाके लगाए जाते। डीएसपी ने बताया कि ये फ्लैग मार्च सिर्फ लोगों के मन से डर खत्म करने के लिए निकाला जा रहा है। जनता से अपील की जा रही है कि अगर शहर में कहीं कोई भी अवैध गतिविधि देखी जाए तो तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी जाए, जिससे पुलिस समय पर उक्त आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले सके। डीएसपी ने कहा, सूचना देने वाले कान पता गुप्त रखा जाएगा। इस फ्लैग मार्च का मोटिव यही है कि लोगों के बीच सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिहड़ी है पैदा होवे, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਆਸ ਪਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਤਲਾਹ।